भाई केमिस्ट्री के पेपर में उनके पूछे जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसी प्रमुख प्रयोगशाला विधि जो कि इस बार आपके क्लास 12th यानी कक्षा 12 के है ना, और किस पेपर में भाई केमिस्ट्री के पेपर में उनके पूछे जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं, बस मैं 5 प्रयोगशाला विधि लेकर आया हूँ और पेपर देकर आप आना, उसके बाद बोलना कि सर मेरे में मिला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स, ये जो 5 मैं लेकर आया हूँ प्रयोगशाला विधि, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर देखने के बाद, तो ज़रूर ज़रूर इन 5 में से ही आपके पेपर में आएगा। तो चलिए फटाफट बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जाते थे वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसे बेस्ट स्ट्रेटजी की वीडियोस मिलती ही रहेंगी हमेशा। चलिए फटाफट बिना देर के हुए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें अगर पहले नंबर की, तो पहला नंबर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ भाई एसीटोन। कौन सा? एसीटोन। तो एसीटोन भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, फिर मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर एथिल एमीन प्रयोगशाला विधि। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स तो फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी इंपॉर्टेंट है। चौथा बात करें डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर का भी प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें 5वें नंबर की, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफार्म। जी हाँ, तो क्लोरोफार्म की भी प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप सो स्टूडेंट्स कि ये 5 के 5 जो प्रयोगशाला विधि मैंने आपको बताई है, इतना आपने तैयार कर लिया है होगा, और अगर नहीं तैयार किया तो भाई एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लें, इसका क्या कर लें, एक बार रिवीजन कर लें, और पेपर में यहीं से आपके आने वाला है। तो होप सो स्टूडेंट्स वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।